अब उप सरपंच को फंसाने की रणनीति की गई है। मामला थाने के सटे कल्याण मरलगांव का है, जहां बीजेपी के उप सरपंच प्रमोद देशमुख से कुछ समय पहले अपने पूर्वज की जमीन को का छोटा टुकड़ा करके 400-500 नागरिकों को बेचा था। कृषि जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर आजकल झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वहां रह रहे स्थानीय नागरिकों को आज उस जमीन पर उप सरपंच प्रमोद देशमुख नवीन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। लोगों को नवीन कंस्ट्रक्शन में घर बनाकर दे रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच का कहना है कि हमारी जमीन किस तरह से है हम डेवलप करें, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि जमीन हमारी थी। और जब किसी नागरिक को हम इस तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो कोई नागरिक हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता। सबको हमारी ये योजना पसंद है, सब लोग हमारे साथ है। इसके बावजूद अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले दत्तू संघ ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमसे जमीन हड़पने के लिए और लोगों को घर नहीं देने के लिए लोगों में भय का माहौल तैयार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, प्लस और भी बिजनेस है हमारे। एक 5-6 महीने से एक आदमी हमारे पीछे पड़ा है, दत्तू सांगले नाम है उसका। वो ऐसा पता था कि मैं समाज सेवा करता हूँ और गाँव में सबके जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे सबके नाम पे ऊपर अर्जी करके उनसे पैसे की डिमांड करते रहता है, और जो पैसा देता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। हम लोग, मेरे पास भी उसने 30 लाख रुपया मांगा था, सब उसके लिए 2-3 ऑफिसर भी लोग जिम्मेदार है उसके लिए, वो भी बीच में थे, तो भी मैं कुछ नहीं बोला। तो हम लोग पैसा नहीं देने के कारण वो हमारे पर्सनल बिल्डिंग के ऊपर जाके लोगों को भड़काने का, लोगों को गलत बोलने का। या हमारा खुद के बड़े लोग अर्जित जमीन है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किसी का जमीन हड़प कर लिया है। जो दत्तू संघ हमको बोलते हैं भूमापी है, ये वो है, हम लोग कोई भूमापी, हम लोग पहले से खानदानी जमींदार है। हमारा खुद का जमीन है, इधर 4-5 एकड़ जमीन है पूरे भारत में। हम बसों से हमारे यहाँ से पैदा से हम लोग, और हम लोगों ने किसी को फंसाया नहीं। ये जो दत्तू संघ हमारे हमको बदनाम करके जानबूझ के हमको, ताकि इन लोग पैसा देंगे हमको, ऐसा ये करेंगे करके हम लोग को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि महाराण में भी बहुत प्रांतीय सरकार की जगह है, फॉरेस्ट की जगह है, उसके बारे में तो कुछ नहीं आवाज कर रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट के जगह पे लोगों ने मकान बनाया है, हमारा खुद का 7 बारी का जमीन है, लोगों ने हमको कुछ डेवलपमेंट के लिए दिया है। जब लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं है जो हमारे जमीन में रहते, तो दत्तू सांगले का क्या रोल बनता है? खाली पैसा हर जगह जाके, इसका पहले से 2013 में भी इसके ऊपर खंडनी का 2-3 गुना दाखिल है, उसके बाद भी मैंने भी अभी अर्जी दिया है, तो भी उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जबकि हम लोग सीधे साधे से अपना बिजनेस चालू है, लोगों को हमारे बारे में कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये खुद जाके ये जमीन ऐसा है, ये जमीन वैसा है, ऐसा करके हमारा बदनामी करा है समाज में। तो प्लीज जरा हम भी गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप भी जरा सबक सिखाओ। उनका कहना है कि आपने उनको जान से मारने की धमकी वगैरह दिया था। देखो, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ या मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, तो और मेरे नाम पे कितना केसेस ऐसा देखो पुलिस में जाके कि मैंने जान से मार दिया। मैं क्यों उसको जान, मैंने कहा उसको एक बार समझा था कि दत्तू ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, अगर कर रहे हैं तो पूरे गांव के बारे में करो, पूरा गांव के बारे में न्याय दो। हमारे सामने एजेंसी बन रही है, हमारे सामने इतने मारण में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनके बारे में किसी के खिलाफ आर्जी नहीं है, क्योंकि उन लोग उसको पैसा देते हैं, चुप बैठता है, हम लोग कुछ नहीं दे रहा करके वो मेरे को तकलीफ दे रहा है। उनका ये भी कहना है ग्राम पंचायत के सामने जो बिल्डिंग है वो भी इलीगल है। इनलीगली कैसे बोल सकते हो उसको? उसका जी प्लस टू का परमिशन है। हमारा 7 बारी का जमीन है हमारा, मैंने पंचायत में पूरा पेपर दिया, वो जो जो भी कर रहा है उसको पूरा पेपर हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग इनलीगली कैसे होते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं है, सरकारी जमीन पे कुछ बनाया तो उसको बोलो अब इनलीगली है। हम कोई भूमाफिया है क्या? भूमाफिया किसको बोलते हैं? जो सरकारी जमीन हड़प करता है, उधर झोपड़ा बनाता है, फिर बिल्डिंग खड़ा करता है, उसको बोलते हैं भूमाफिया। हम खुद का 7 बारी की जमीन लोगों का डेवलपमेंट लेके हम लोग डेवलपमेंट करें ना, जमीन लेके, तो उसमें हमारा क्या रोल है? आपका नाम? दत्तू दशरथ सांगले। क्या मामला है आपका? महरलगांव ग्राम पंचायत के एरिया में सर्वे नंबर 11-2 नया और 39-2 जूना, इस सर्वे नंबर में 400 से 500 लोग रहते, और वो सर्वे नंबर की जगह 1980 से लेके 2015 तक वो सब जगह एक एक दो दो गुंडा करके 7-12 मालिक ने सब जगह बेच दिया है। मैंने तभी कृषित जगह था वो, मगर उस टाइम पे बेच के जिन लोगों ने वो जगह लिया है वो लोगों ने अपना खुद का मकान बना के वो लोग 1980 से लेके 2015 तक वो लोग रह रहे। मैंने आप 400 से 500 लोग वहां पे जगह लेके रह रहे खुद का मकान बना के, मगर इसका इन लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया है, मगर उस टाइम पे टुकड़ीबंदी का कायदा होता था पहले, कि एक एक दो दो घंटे का 7-12 नहीं होता था, 7-12 पे नाम भी नहीं चढ़ता था और 7-12 भी नहीं होता था। इसका फायदा उठा के 7-12 मालिक ने क्या किया,
गवर्नमेंट अधिकारी को हाथ में लेके सब गवर्नमेंट अधिकारी से मिली भगत करके वो कृषित जगह को आक्रोशित किया, मगर आक्रोशित करते समय वो जगह खुली होनी चाहिए, माने उस पर पूरा घास होना चाहिए, तभी कृषित जगह की आक्रोशित होती है। आक्रोशित के लिए जगह खुली होनी चाहिए, मगर 1980 से लेके अभी तक कम से कम 500 से 700 लोग वहां पे रह रहे, और इन लोग ने गवर्नमेंट अधिकारियों को हाथ में लेके वो 712 मालिक ने उसका गलत फायदा उठा के वो आक्रोशित परवानगी ली, और ये 400-500 लोगों के ऊपर, मतलब इन लोगों को मालूम भी नहीं कि उनकी जगह आक्रोशित की परवानगी ले रही करके, मैंने उन लोगों के ऊपर सरासर अन्याय हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अन्याय हुआ, मैं यहाँ ग्राम पंचायत से लेके कलेक्टर तक और मंत्रालय तक पाठ पुरावा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कोई ऑफिसर दाद नहीं दे रहा है, कोई इसकी दखल नहीं ले रहा है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो 400-500-600 लोग जो रह रहे उनके ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मेरे को जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो कर रहा हूँ, और इसके इन लोग को जगह बेचिए, उनके मैंने प्रबल पुरावे है, मेरे पास प्रबल सबूत है, मैंने जो उनको चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर को जो मेरे पास मेरे से उनको हेल्प चाहिए वो मैं दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि ये जो 400-500-600 लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है वो तुरंत रुकाया जाए। जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन, मैंने उनकी जगह है ही नहीं, खाली 712 पे नाम होने के कारण जो बिल्डिंग बना रहे, लोगों को डरा रहे, धमका रहे, तुम जगह नहीं देगा तो हम तुम्हारा रास्ता बंद करेंगे, तुम्हारे घर के सामने से नाली डालेंगे, ऐसा डरा धमका के जो प्रमोद देशमुख, सुनील देशमुख, योगेश देशमुख, जीतू देशमुख, ये लोग जो कर रहे हैं इनको रुकाओ। ये सरपंच है, सदस्य सब ग्राम पंचायत के अपने पद का घर उपयोग कर रहे, तो मेरी गवर्नमेंट से और कलेक्टर साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो 600-700 लोग के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनको रुकाओ, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है, ना आगे कोई करेगा, इतनी हिम्मत ना आज तक किसी ने की है और ना आगे कोई कर सकेगा, क्योंकि इतना अंधा कानून महाराष्ट्र में नहीं चलता है। मैंने ये ऑफिसर लोगों ने जो कुछ किया है उनको थोड़ा समझाओ, उनको थोड़ा सबक आना मांगता है, इसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। थैंक यू। कल्याण से हमारे संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।